बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है और एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए फैंस का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। किंग खान लगातार फिल्म के प्रमोशन के लिए व्यस्त हैं। अगले चार दिनों में शाहरुख खान जवान के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। ऐसे में फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए अभिनेता ने एक बार फिर एक्स ट्विटर पर आस्क एसआरके सेशन शुरू किया, जिसमें एक बार फिर वह फैंस के सवालों के मजेदार जवाब देते नजर आए, लेकिन इस बार उनका अलग रूप भी देखने को मिला। जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसमें भी फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया है। पूरे भारत में 2 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। एक यूजर ने एडवांस बुकिंग से जुड़ा सवाल पूछ लिया, जिस पर शाहरुख ने क्रूर जवाब देते हुए उन सभी यूजर्स की बोलती बंद कर दी जिन्हें एडवांस बुकिंग की संख्या झूठी लग रही है। दरअसल एक यूजर ने शाहरुख को चकमा देने की कोशिश की और उनसे पूछा कि क्या एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड की संख्या वास्तविक है या क्या मार्केटिंग टीम ने फिल्म के आसपास प्रचार पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग की थी। जवान का कितना बुकिंग सहयोग है और कितना रियल? इस ट्वीट पर शाहरुख की नज़र पड़ी और उन्होंने उसे कड़ा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ये सोशल मीडिया वाली घटिया बातें मत करो यार। सभी के लिए सकारात्मक विचार और अच्छी भावनाएं रखें, जीवन के लिए बेहतर है। एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा, लोग कभी कभी इतने मतलबी असभ्य और नफरत से भरे होते हैं, इन सब के बाद भी आप लोगों के प्रति इतने शांत विनम्र और प्रेमपूर्ण कैसे रहते हैं? इस पर किंग खान ने जवाब दिया, लोग तो लोग हैं, हर किसी की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन किसी को अपनी मान्यताओं और सकारात्मकता के साथ रहना होगा, अपने विचारों के साथ एक व्यक्ति बने। शाहरुख खान की फिल्म जवान की बात करें तो ये 7 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा, नयनतारा, विजय सेतुपति और सुनील ग्रोवर भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।